हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई ऑनलाइन ज्ञान पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्किंग क्या है और मार्किंग करने का क्या प्रोसेस है और बाद के वीडियोस में आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि मार्किंग करने के लिए किन किन मार्किंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है तो ये सभी कंप्लीट फिटर फर्स्ट ईयर का कोर्स आप हमारे पेड क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका मात्र फी है टू नाइन्टी नाइन ओनली यानी कि दो तीन सौ रुपये में आप पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो जब आप वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको एक ड्राइंग दी जाती है उस ड्राइंग के अनुसार ही आपको जॉब तैयार करना होता है लोहे के मेटल पे, मेटल के टुकड़े पे, तो उस ड्राइंग के अनुसार हुबहू यानी कि पूरी अक्रूसी के साथ जॉब बनाने के लिए आपको उस पर मार्क करना पड़ेगा यानी कि ड्राइंग के अनुसार उसमें ऑपरेशन करने से पहले उसमें निशान लगाना चिन्हित करना ही हमारा मार्किंग कहलाता है इसके लिए अलग अलग मार्किंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है जैसे कि स्क्राइबर हो गया पंच हो गया डिवाइडर हो गया या जैनिक कलीपर और भी बहुत सारे मार्किंग टूल्स होते हैं हम लोग एक एक करके वीडियोस में देखेंगे तो जैसे कि आपने एक लोहे का टुकड़ा तैयार कर लिया अब इसमें आपको ड्राइंग के अनुसार क्या करना है इस पर आपको निशान लगाना है तो क्या आप इस पर किस चीज़ किसी चीज़ से जब आप इस पर एक लाइन मान लीजिए खींचिएगा तो क्या वो लाइन आपका अच्छी तरीके से आपको नज़र आएगा और इसकी क्या गारंटी है कि वो लाइन आपका जब तक आपका जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता वो बना रहे तो इसके लिए अलग अलग मार्किंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है लेकिन अगर हम इस पर किसी चीज़ से लाइन खींचते हैं मान लीजिए उसी नुकीला स्क्राइबर से ही खींचते हैं तो ये लाइन आपको उतनी अच्छे से नजर नहीं आएगी तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर क्या करते हैं एक पदार्थ का लेप लगाते हैं ताकि जो भी हम इस पर लाइन खींचे वो अच्छे से नजर आ जाए यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो इसके सरफेस पे लगाया जाता है जिसे हम लोग मार्किंग मीडिया कहते हैं और इस सरफेस के सतह पर इस जॉब के सतह पर जो इस मार्किंग मीडिया का परत लगाना ही हमारा लेपिंग कहलाता है जैसे कि इधर देखिए इस साइड में आप यहाँ पे इसका ये जो हमारा मेटल है ये इसके ऊपर में चूने का एक लेप लगाया गया है अब इस पर हम जो भी लाइनें खींचेंगे वो अच्छे से क्लियर तरीके से नज़र आएंगी उसके बाद इसके ऊपर हम लोग पंच के द्वारा पंचिंग कर देंगे ताकि वो अच्छे से परमानेंट हो जाए और हमारा जॉब कंप्लीट होने तक वो लाइन अच्छे से नजर आए तो इस तरीके से हम लोग मार्किंग कहते हैं मार्किंग करते हैं तो आज नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि मार्किंग करने के लिए जो हम लोग लेपिंग कर रहे हैं उस लेपिंग करने के लिए कौन कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है तो चलिए इसको देखते हैं तो मार्किंग मीडिया मार्किंग मीडिया क्या होता है जॉब को ड्राइंग के अनुसार बनाने के लिए उस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है इसके लिए उस पर उपयुक्त रंग का लेप चढ़ाया जाता है ताकि निशान अच्छे से नजर आए और इस प्रकार जॉब में प्रयोग किए जाने वाले जो रंग है या जो पदार्थ है उसी को हम लोग कहते हैं मार्किंग मीडिया ठीक है अब देखते हैं आगे हम लोग कौन कौन सा मार्किंग मीडिया का यूज कर सकते हैं लेपिंग करने के लिए तो सबसे पहले वाइट वॉश जो कि आप नॉर्मली सभी यूज करते हैं तो यह कुछ नहीं ये ब्लैक बोर्ड का चौक होता है इसका प्रयोग कास्ट आयरन जैसे रफ सतों पर ही ज्यादातर किया जाता है रफ सतह यानी कि जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए वैसे सतह पर इस चौक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसे आप पानी के साथ ही यूज करते हैं तो आपका अगर आप उसे अच्छे से फिनिश करके नहीं रखते हैं तो बाद में उसमें आपका जंग लगने का रस्ट हो जाने का चांसेस बना रहता है इसीलिए इसे रफ सतहों पर ही किया जाता है अब ये जो वाइट वॉश है चौक से जो हम लोग लैप तैयार मार्किंग भिंडिया तैयार कर रहे हैं उसे कहते हैं वाइट वॉश तो इसे बनाने का क्या क्या विधि है तो चौक का पाउडर के साथ वाटर नॉर्मली मिला लीजिए तो ये भी आपका वाइट वाश है या चौक पाउडर के साथ आप मिठाइल स्प्रिट तैयार कर लिया मिला दीजिए, यह भी आपका वाइट वाश है या लेड पाउडर ठीक है लेड पाउडर के साथ तारपिन का तेल मिला के भी वाइट वाश तैयार किया जाता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है ये आपके कंपटीशन के भी व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो क्लासेस है आप पेड क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको ये नोट्स फ्री में मिलते हैं इसके साथ साथ ये आप क्लासेस कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आप इसे एक्सेस व्यू कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वाइट वॉश के बारे में कि ये हाई एक्यूरेसी वाले जॉब के सतह पर प्रयोग नहीं किया जाता है नेक्स्ट है हमारा मार्किंग ब्लू मार्किंग ब्लू ये ब्लू कलर का होगा इसके लिए एक मार्कर मिलता है अब इसे जब जॉब के सतह पर इसे लगाते हैं तो ये तुरंत सूख जाता है ठीक है और इसका फायदा ये है कि ये हम लोग जब जो हमारा जो जॉब जो है वो हाई फिनिश है उसमें लगाने से उसका सतह भी खराब नहीं होता है तो यानी कि हम मशीनिंग की भी की हुई वर्कपीस पर इसका प्रयोग किया जाता है और बात करें अगर मार्किंग ब्लू का तो ये मिथाइल स्प्रिट से स्याही के साथ मिलाकर बनाया जाता है और ये बहुत ही जल्द सूख जाता है और काफ़ी पतला होता है काफ़ी पतला परत का होता है इस वजह से जल्दी सूख जाता है अब नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन ब्लू प्रिसीजन ब्लू जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिलता है जैसे कि घरों में जब चूने से लेप किया जाता पोचाड़ा मारा जाता था अब तो सभी कोई पेंट कर देते हैं लेकिन पहले चूने से जब पोचाड़ा मारा जाता था तो ज़्यादा सफ़ेदी हो इसके लिए इस तरह से नील यानी कि स्याही का मिलाया मिलावट किया जाता था ताकि आपका ज़्यादा वहाँ पे सफ़ेदी आए तो ये मार्केट में मिलता है ये भी मशीनिंग फिनिश सरफेस पर प्रयोग किया जा सकता है लेकिन ये सूखने में ज़्यादा समय लेता है ठीक इस है इससे यह क्लियर लाइन आपको इससे मिलता भी क्लियर लाइन आपको दिखाई देता है लेकिन ये सूखने में ज़्यादा समय लेता है अब नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट जो है इसको पानी के साथ मिलाने के बाद इसमें दो तीन बूंदें हम लोग नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं इससे तैयार हो जाता है हमारा मार्किंग मीडिया अब ये फाइल्ड या मशीन फिनिश सरफेस पर यानी कि हाईली फिनिश सरफेस पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इसे सावधानी से हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड इसमें मिलाने की वजह से ये जहरीला हो जाता है यानी कि इसे लगाने के बाद आप आँख में या किसी तरह से नाक में या चेहरे में सावधानी से नहीं मतलब छूना ही नहीं चाहिए तो इस तरीके से सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए अब नेक्स्ट है जो मार्किंग मीडिया है हमारा वो है सेल्यूलोज लेकर ये मार्केट में अलग अलग कलर में मिलता है लाल पीला हरा ब्लू तो अलग अलग कलर में मिलता है और ये कारपेंटरों के द्वारा जो लकड़ी के काम करते हैं उसके ऊपर उप, में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है लेकिन आप मेटल के ऊपर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं लेपिंग करने के लिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मार्किंग आउट यानी कि मार्किंग क्या होता है जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया तो किसी भी जॉब को ड्राइंग में दी गई संरचना के अनुसार बनाने के लिए उसमें निशान बनाना होता है इसी प्रक्रिया को मार्किंग आउट यानी कि मार्किंग कहते हैं अब मार्किंग करने का पर्पज़ क्या है तो जॉब को सही माप देने के लिए है ना वो जो जॉब आप बना रहे हैं हो सकता है किसी मशीन का एक पार्ट्स हो तो उस मशीन के पार्ट्स को आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो उसमें कैसे अच्छे से असम्बल होगा यानी कि एक्यूरेसी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है तो सही माप में बनाने के लिए अच्छा मार्किंग करना जरूरी है और अच्छे तरीके से मार्किंग विधि का प्रयोग करना जरूरी है अब मार्किंग करने का अगला पर्पस है कि जॉब को सही आकार में बनाने के सही माप और सही आकार में बनाने के लिए ठीक है सही माप में बनाएंगे तो आकार भी सही सही बन ही जाना है अब देखते हैं कि मार्किंग करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए तो सबसे पहले अगर मार्किंग आप कर रहे हैं तो मार्किंग करते समय सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन खींचना चाहिए उसके बाद वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के साथ आ, के बाद आप ब्रीत चाप और जो वक्र यानी कि कर्व वाला लाइन आप खींच सकते हैं यानी कि पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल लाइन बनाइए फिर आप उसके बाद व्रीत बनाना है तो ब्रीत बनाइए या किसी तरह का चाप लगाना है तो चाप लगाइए ब्रिथ और चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं मार्किंग के लिए तो सीधी लाइनें स्टील रूल या स्क्राइबर की सहायता से खींचनी चाहिए स्क्राइबर की नोक मोशन की दिशा में होना चाहिए जो स्क्राइबर होता है कुछ इसी तरीके का होता है तो स्क्राइबर का जो नोक होता है जैसे मोशन है उसी ओर होना चाहिए ऐसे हम जैसे सरका रहे हैं उसी ओर ना कि ऐसे खींचना चाहिए या ऐसे मोशन कर रहे हैं तो इस ओर होना चाहिए आगे मोशन कर रहे हैं तो आगे की ओर होना चाहिए ऐसा नहीं कि ऐसे करके पीछे कर रहे ठीक है तो ये सभी छोटे छोटे बात हैं जो इम्पोर्टेंट है और लंबवत लाइन खींचने के लिए परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं ये सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही आगे जो वीडियो होगी वो हमारा पेड क्लासेस में उसके वीडियो मिलेंगे तो यदि आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें फी कुछ भी नहीं है तीन सौ कोर्स फी है जो कि आप आ, ऐसे ही रिचार्ज में मोबाइल के रिचार्ज में एक महीने के मोबाइल रिचार्ज में ख़त्म कर देते हैं तो आज के लिए इतना ही तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं अच्छा लगा तो लाइक कर दें और यदि आप चैनल में बिना सब्सक्राइब किए हुए आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें और भी सपोर्ट करें लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका